आज अचानक मैं आपको एक 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 बड़े हास्यास्पद बात बताता हूँ। आज सुबह उठे, आज मोदी जी को माँ की गाली देवे या उनको पिता की गाली दे, और जिन्होंने दी उनका प्रमोशन, अच्छा फिर दिन में सूप पिया, आज अडानी को गालियां देवे कि गोदरेज को देवे कि किसी और पेटीएम को देवे कि बाईजू को देवे, किसको देवे? शाम को शाम का कार्यक्रम मैं यहाँ नहीं बता सकता, पवित्र जगह है। तो ये दिन मैं बहुत देर से एक बात कहने के लिए बेचारे यहाँ पे मौजूद हैं, शायर हैं। जी जनाब, मैं थोड़ा सा ब्रेक चाहता हूँ। जी बोलिए। जी जनाब, मैं शायर हूँ तो सजाने मिलाने और सजाने और मिलाने में रहिए, आप तोड़ने पे ना रहिए, गाली गलौज पे मत जाइए, हैं भला अच्छी अच्छी बात कहिए। जी कहने से है क्या हासिल, कहने से क्या है हासिल, करके भी दिखाना है, करके भी दिखाना है, जन्नत की तरह अपने भारत को सजाना है। क्या बात है, भारत को सजाना है। यहाँ हर तरफ के लोग आए हुए हैं, दूर दूर से लोग। पूरब के हो पश्चिम के, उत्तर के हो दक्षिण के, आपस में है सब भाई, ये याद दिलाना है। गौरव साहब, जब आप जो बात कह रहे हैं तो बिल्कुल उलट ये शायर साहब बात कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा करके दिखाना है, हाँ। आपको तो मैं तो डाटा के साथ बात करने आता हूँ जी, बिल्कुल। आप डाटा और के मेरे पास तो आप, मैं किशोर जी आज भी प्रोग्राम के लिए 6 घंटे तैयारी करके नोट्स बना के लाया हूँ मेरे, मैं तो बिना नोट्स के नहीं आता। आपको एक आंकड़ा देता हूँ, 2014 में दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें भारत का स्थान नम्मा था, 2009th, आज हम 5वें पे हैं। क्या ये बड़ी 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 उपलब्धि नहीं है? तो आपने साहब ने कहा कह के करना भी है, अरे करके दिखाया ना। और आप फिर आप कहेंगे साहब उस समय क्या था, हाँ। यूपीए के दौरान 2004 में भारत का स्थान दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में 12वें नंबर पे थी, वो 90 पर आई, तो 10 साल में 3 पायदान होगा, यहाँ पे 10 साल में 4 पायदान होगा। ध्यान रखना एक चीज, वो तो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का सिद्धांत ये कहता कि अगर ना भी करें तब भी पहुंचेंगे। नहीं एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ऊपर की रैंक बढ़ाना, ये स्टूडेंट्स खड़े हैं नंबर 3 से नंबर 2 और नंबर 4 से नंबर 3 और नंबर 6 से नंबर 5 होना बहुत मुश्किल है, पर नंबर 20 से नंबर 19 होना बहुत ईजी है, नंबर 20 से नंबर 18 होना बहुत ईजी है। तो ये कठिन कार्य करके दिखाया है। आज 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 दुनिया में भारत का एक मॉडल की बात हो रही है, दुनिया में, दुनिया में मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मेरे अमेरिकन इन्वेस्टर ने मेरे को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया, बड़ा फंड था, बड़ा फंड, दुनिया का नंबर 3 का फंड। तो मैंने उनको क्या कहा कि यू डोंट हैव एनी अदर कंट्री टू इन्वेस्ट, सिर्फ भारत में ही कर सकते हो, क्योंकि दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था 8% से नहीं बढ़ रही है, सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था में वो फंडामेंटल है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने नीतियां बनाई, उन नीतियों का क्रियान्वयन किया। आपने नीतियां ये नहीं बनाई पाकिस्तान से डर के रहो, आपने नीति बनाई कि जो आतंकवाद करेगा घर में घुस के ठोकेंगे। आपने नीति ये नहीं बनाई कि जब कोई व्यक्ति, अभी वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेसी नेता चन्नी साहब बोल रहे हैं ये स्टंटबाजी है, शर्म नहीं आई कांग्रेस के नेताओं को? उनको बाहर क्यों नहीं किया किशोर जी, क्यों नहीं किया उनको बाहर? उनको जिन जिस व्यक्ति को वायुसेना के जवान के शहीद होने पे स्टंटबाजी लगती है, धिक्कार है ऐसे नेता को, धिक्कार है, वो भारत में रहने लायक आदमी नहीं है, नेता तो बाद में बनेगा, पर कांग्रेस उसको मौन स्वीकृति दे रही है। तो क्या कोई व्यक्ति की शहीद शहादत स्टंटबाजी होती है? गौरव जी ये कुछ कह रहे हैं, सर जीडीपी तो बढ़ रही है बट ये जॉबलेस ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि बोले जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा, जॉबलेस ग्रोथ। क्या नाम है? अभिषेक कुमार शर्मा ये चूसे हैं स्टूडेंट। ये जॉबलेस ग्रोथ का तर्क आप ही देते थे, मैं देता हूं ना आपको इसका भाई का उत्तर भी दे दूं। देखिए जॉब क्रिएशन में जो हमारी जो डेमोग्राफी है, जो देख कहते हैं हम कि 65% हमारी आबादी 30 साल 35 साल से कम है, वो डेमोग्राफी पिछले 10-15 सालों में चेंज हुई। पर आप कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, उसका आपका आपका जो दृष्टिकोण है वो बता रहा हूँ। अपन अब एंटरप्रीनियरशिप को,
अपन जो स्वयं जो काम करते हैं, मेरी एक लाइन सुनो फिर मैं आपका काउंटर सुनूंगा। तो जो अपन एंटरप्रीनरशिप है उसको जो बढ़ावा मिला है पिछले 10 साल में, भले ही वो मुद्रा लोन के माध्यम से हो, भले ही वो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हो, भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करने के द्वारा ग्रो जॉब्स क्रिएट करने का हो, तो जॉब्स क्रिएट हुई है। पर हाँ, कोरोना की जो विषम परिस्थितियाँ थी 2 साल तक, भारत का और दुनिया का हर देश का क्या हाल था, हमारा हाल ज्यादा खराब इसलिए होता था क्योंकि हम 140 करोड़ का देश, दूसरे छोटे देश थे, तो वहां पर जो कंटेजियस इफेक्ट है बीमारी का वो थोड़ा कम था। पर और भी इसमें काम करेंगे, पर जीरो जॉबलेस, पूरी जॉबलेस ग्रोथ कहना गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहे थे। अच्छा सर, वो गलत जानकारी दे रहे हैं। हाँ, गलत जान प्रोफेसर। यस सर। सर, जैसे कि MBA का डेटा अवेलेबल है BHU का भी हर साल 10 साल, तो अभी प्लेसमेंट सेल में आंकड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। 7,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल में अंडर रजिस्टर्ड हैं, जो कि जॉब के इच्छुक हैं उनको मिल नहीं पा रहा है। जिसको मिल रहा है पेमेंट कम है, सैलरी मिड रेंज और हाई रेंज में नहीं मिल पा रहा है। जिसको जॉब मिल रहा है उसके लिए जॉब और वर्क का डिस्ट्रैक्शन का बिल लाने का बात हुआ था, वो नहीं आ पा रहा है। जॉब के बाद आपने कौन सा डेटा, मैंने सुना नहीं, कौन सा MBA 7,000 स्टूडेंट BHU में, कौन सा डेटा आपने बोला? पहला लाइन आपकी, वो कह रहे हैं उनके प्लेसमेंट सेल का, जो प्लेसमेंट सेल का, जो प्लेसमेंट सेल कॉलेज के प्लेसमेंट। पर मैं गवर्नमेंट का डाटा आपको दे रहा हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कलेक्टेड डाटा है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जीरो है, पर आप ये देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी पहले थी और आज कितनी है। आप 50 साल का किशोर जी कई बार एंकर और कई जो पैनलिस्ट भी होते हैं, 50 साल का सबसे बड़ा है बेरोजगारी दर। अरे भैया, अभी का देखो जो लेटेस्ट जाता है 2024 का जी, आप अगर उसको देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हुए हैं, पर इसको जीरो करना है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। यहाँ भविष्य का सपना है, अगले टर्म के लिए जी, भविष्य का सपना है। अश्विनी चौबे जी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको बुलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आइए प्लीज, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव वल्लभ जी का करेंगे। गौरव जी थैंक यू। और पंकज जी को मैं बुलाना चाहूंगा, अपने सहयोगी हूँ जी। चमक ये दमक फुल बन ममक, ये चमक ये दमक फुल बन ममक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण, पगियन मा बहार तुम्हें से है। तो जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे बीच में है काशी नगरी में। बहुत बहुत स्वागत अश्विनी जी आपका। अश्विनी जी देखिए, आज आप हमारे मंच पे हैं न्यूज 18 इंडिया के, और 13 तारीख को चौथे चरण का मतदान, आधा चुनाव खत्म हो चुका है, हम ये मान लें चौथा चरण आ गया है। तो जरा वो जो 400 का नंबर है, शुरुआत में उसी से करता हूं। वो 400 का नंबर है, वो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, वो 400 का नंबर कैसे है? भाई देखिए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। ये